आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें एक थिन नॉन कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल डिस्क दी गई है जिसका मास स्मॉल m है एंड इस पे टोटल चार्ज q है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे। ये रोटेट कर सकती है अपने एक्सिस पे, ठीक है। इनिशियली जो डिस्क थी वो स्टेशनरी थी, उसके बाद क्या किया जाता है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर है डिस्क के प्लेन से स्विच की जाती है, ठीक है। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो क्या है, बी इज इक्वल टू के टी है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एक्वायर्ड बाई डिस्क फाइंड करनी है आफ्टर टाइम टी, ठीक है गाइस। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें स्टार्ट होगी तो इनिशियली जीरो थी, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा इस डिस्क के करस्पॉन्डिंग। डिस्क के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, अपनी डिस्क चार्ज है तो उसकी वजह से इस पर क्या होगा, एक एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ये गेन करेगी। तो वही हमें फाइंड करनी है आफ्टर टाइम टी इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो गाइस ये अपनी जो डिस्क है वो छोटी छोटी रिंग से मिलके बनी होगी, तो उन्हीं में से एक रिंग अपन कंसीडर करते हैं आर रेडियस पे, ठीक है, डिस्क के सेंटर से। तो ये अपनी एक रिंग हो गई, ठीक है, इसकी विथ है आर डी आर और इसकी डिस्टेंस है सेंटर से आर, ठीक है। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा अपना, डी क्यू चार्ज हो जाएगा। डी क्यू चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल चार्ज अपना क्यू डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डिस्क पाई आर स्क्वायर इंटू इसका एरिया टू पाई आर डी आर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं इस रिंग के करस्पॉन्डिंग, वो कितना होगा अपना, माइनस डी फाई वाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी वाई डी टी ऑफ वी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है अपनी के टी इंटू एरिया कितना हो जाएगा इस रिंग का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना माइनस के पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, माइनस डी फाई वाई डी टी आ गया, मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि अपना क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड ईएमएफ को अपन कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो ये हो जाता है माइनस फाई इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, ठीक है। तो इस रिंग के लिए जो फाई इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट होगी तो फाई इंटीग्रल ऑफ डी एल कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना के पाई आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। DL क्या हो जाएगा, DL means जिस ये रिंग है इसकी टोटल सरकमफेरेंस, तो टोटल सरकमफेरेंस इसकी रेडियस आर है तो 2 पाई आर हो जाएगी, तो E इंटू 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा अपना K पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी अपनी K R बाई 2, जो रिंग में क्या होगी अपनी एक्ट कर रही होगी। तो हमें रिंग पे चार्ज पता है और क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, जो तो एक स्मॉल फोर्स लग रहा होगा इस रिंग पे जिसकी वे डी आर है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू इंटू ई के इक्वल, ठीक है। तो डी क्यू कितनी है अपनी, डी क्यू है क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू टू पाई आर डी आर, ओके। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के आर बाई टू, तो यहाँ टू से टू कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर के क्यू आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया अपना डी एफ। तो ये अपना एक पे मतलब एक एलिमेंटल फोर्स लग रहा है इस एलिमेंटल रिंग पे, तो टॉर्क कितना लगेगा अबाउट सेंटर, वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से डी टाउ अपना स्मॉल टॉर्क हो जाएगा जो कि अपना रिंग पे लग रहा होगा, वो क्या हो जाएगा अपना डी एफ इंटू आर, और आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा के क्यू आर क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी आर। अब हमें टोटल टॉर्क फाइंड करना है डिस्क पे कितना लग रहा होगा, तो इस डी टाउ को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल आर अपना वेरी कर सकता है जीरो से कैपिटल आर तक, तो जीरो से कैपिटल आर तक इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर, तो ये आ जाएगा अपना के क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, ये हो जाएगा अपना नेट टॉर्क के इक्वल। एंड नेट टॉर्क अपना क्या होता है, टाउ नेट आई इंटू अल्फा, इसका मोमेंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका मास दिया गया है स्मॉल m है, ठीक है। तो जिसका मोमेंट ऑफ एनर्जी उसके सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू होता है इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना आर टू दी पावर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और फोर से टू कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपना के क्यू डिवाइडेड बाई टू एम, अल्फा इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई टू एम। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब इसमें
सर्कुलर मोशन वाले फॉर्मूले लगाएं तो उससे क्या होता है, अपनी एट एनी टाइम ओमेगा जो होती है वो इक्वल होती है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिस्क की जीरो थी, एंगुलर एक्सेलरेशन के क्यू डिवाइडेड बाई टू एम है। ठीक है, तो आफ्टर टाइम टी इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी के क्यू अपॉन टू एम टाइम्स टी। ये अपना आंसर हो जाता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।